A very good morning, students. So, today we are going to read from page number 85, the topic grasslands. कल हम कुछ terrestrial habitats के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने mountain regions के बारे में पढ़ा था और first वाला deserts था और second हमने mountain regions के बारे में पढ़ा था, उनके वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे अडाप्ट करते हैं अपने आप को वहाँ की एनवायरनमेंट में, उनके बारे में पढ़ा था हमने. सो आज हम नेक्स्ट हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में से है हमारा ग्रासलैंड, हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली एंड प्लीज़ बी अटेंटिव, होल्ड योर पेंसिल्स विथ यू टू मार्क द अंडरलाइंस. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. Alloyan, a grassland. Alloyan lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. जो लॉयन होता है वो कहाँ रहता है, वो मोस्टली जंगल में रहता है और वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है और वो दूसरे एनिमल्स को किल कर सकता है, जैसे कि डियर हो गया या फिर बफेलर्स हो गए, इन सबको किल कर सकता है. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. कैसा होता है लाइट ब्राउन, इसका जो बॉडी का कलर होता है वो होता है लाइट ब्राउन. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड डैट ऑफ अ डियर, फिगर 9.8. इन दोनों में आप देख सकते हो लायन और डियर की पिक्चर. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल. लायन की आईज और डियर की आईज कैसे प्लेस्ड हैं, कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? लायन आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस. क्या साइड में है क्या फ्रंट, या फ्रंट में? लायन की फ्रंट में है और जो डियर है उसकी साइड में है. लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज. उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं उसके जो उसके आगे वाले पैरों में, मतलब जो आगे वाले जो उसके दो पैर होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज, जो कि टोज के अंदर तक जा सकते हैं, जो पीछे ले सकते हैं. डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. क्या ये जो चीज़ है वो लायन के लिए हेल्पफुल है, मतलब ये एक फीचर है उसका जो उसको ना एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प करता है, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है. इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स when it hunts for prey animals to eat. ये जो light brown color है उसका, उसकी body का, वो help करता है उसको कि वो grasslands में कहीं पर भी छुप जाए, जंगल में कहीं पर भी छुप जाए और जब वो अपने दुश्मन को prey मतलब जिस animal को वो मारना चाहता है उसको मारने के लिए जब वो hunt करना चाहता है तब वो hide होके उसको पकड़ पाए. द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ हिट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. और जो आईज जो फ्रंट में होती है, हमारे जैसे जैसे फ्रंट में होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता कैच करने में उस एनिमल की हेल्प करती हैं. अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड. डियर एक दूसरा एनिमल है जो फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में रहता है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट. उसके जो दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट जो पेड़ों की जो स्टेम है वो खा पाए, वो उसको अच्छे से च्यू कर पाए. अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स. अब डियर को पता लगाना पड़ता है कि आसपास उसका कोई प्रीडेटर, मतलब कोई उसको मारने वाला कोई एनिमल तो नहीं, जैसे लायन वगैरह तो नहीं, एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे, कोई उसको मारने वाला कोई एनिमल तो नहीं है आसपास. सो इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे सो दैट वो जल्दी से भाग जाए, उसका पता मतलब वो उनके प्रीडेटर्स उन्हें ढूंढ नहीं पाए. इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स. तभी उनके जो आप देख सकते हो जो ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं सो दैट वो दूर से आवाज़ सुन पाए, गौर कर पाए. द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर. और जो इसकी आईज जो साइड में होती हैं वो उसको हेल्प करती है कि वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में देख पाए कि कोई है तो नहीं, कोई उसका प्रीडेटर है तो नहीं. द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स. और जो इसकी स्पीड होती है पता ही होगा कि बहुत तेज़ भागते हैं ये, उनके जो पतले पतले ना लेग्स होते हैं बहुत ज़ोर से भागने में हेल्प करते हैं सो दैट वो प्रीडेटर से बच पाएँ.
There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. और भी बहुत इनके फीचर्स होते हैं जो इनको फॉरेस्ट में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं. नाउ कम सम एक्वेटिक हैबिटेट्स. अब कुछ हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब लैंड पे जो रहते हैं उनके बारे में. अब हम पढ़ेंगे एनिमल सी क्रिएचर्स के बारे में, मतलब एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं. तो फर्स्ट है ओशंस. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिश कैसे सी में रहती हैं. मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव स्लो ईजीली इन वाटर. और भी कुछ सी एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी उन्हें पानी में मूव करने के लिए हेल्प करती है. देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइन शेप. बट कुछ एनिमल्स होते हैं पानी में भी जिनके पास स्ट्रीम लाइन शेप नहीं होता है. दे स्टे डीपर इन द ओशन. वो बहुत पानी में गहरे में रहते हैं. नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स देम. ये बिल्कुल नीचे गहरे मतलब अंदर गहराई में रहते हैं, सो दैट उनके आसपास कोई भी अगर उनका कोई भी एनिमल घूम रहा है वो उसको ईजीली कैच कर पाए. हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीम लाइन. और जब ये मूव करते हैं पानी में तब ये अपना शेप इनका शेप स्ट्रीम लाइन शेप बन जाता है. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. इनके पास गिल्स होता है ऑफकोर्स पानी को डिजॉल्व एयर जो डिजॉल्व है पानी में उसको ब्रीथ लेने के लिए. देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो डॉल्फिन और जो वेल्स होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होते हैं. अपार्ट दैट दे आर ऑल्सो सी एनिमल्स सी क्रिएचर्स बट दे डू नॉट हैव गिल्स. That do not have gills. इनके पास gills नहीं होते हैं. So अब ये breathe कैसे करेंगे. They breathe in air through nostrils or blow holes. ये किससे breathe करते हैं. इनके पास nostrils या blow holes होते हैं that are located on the upper parts of their heads. जो कि इनके head के upper part में located होते हैं. This is a very important point कि dolphin or whales पानी में रहते मतलब पानी के एनिमल्स भी होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं, बट स्टिल दे डू नॉट हैव गिल्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर. ये हेल्प करता है उनको ब्रीथ करने में. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. और ये पानी में बहुत देर तक रह भी सकते हैं सांस लिए बिना. They come out to the surface from time to time. और वो पानी के surface पे आते हैं time to time और फिर breathe कर लेते हैं. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life? क्या आपने कभी ऐसी activity देखी कि वो surface पे आ जाते हैं. कभी ना कभी तो देखी होगी. So this was all about oceans. Now coming to the ponds and lakes. Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains? क्या आपने कुछ plants को उगते हुए देखा है. पॉन्ड मतलब छोटे छोटे जो नदियाँ होती हैं ना, तालाब वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब पॉन्ड्स लेक्स जो होते हैं. क्या आपने उधर कुछ plants को उगते हुए देखा है. या फिर drains मतलब कुछ जो सीवेज lines वगैरह होती हैं, क्या उसमें देखा है. Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to draw the kind of plants that are seen there. How are the leaves, stems and roots of these plants placed? और पूछना है कि अगर आप जा सकते हो कहीं पर विजिट कर सकते हो तो करो कि पानी में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्टेम्स कैसी होती हैं, उनकी लीव्स वगैरह कैसी होती हैं, ड्रॉ करके. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर फिगर 9.9. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं पानी के अंदर. फिगर 9.9 ये वाला. इसमें इन प्लांट्स की रूट्स जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं सी बेड से, मतलब कनेक्टेड हैं बिल्कुल नीचे फिक्स्ड है. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं मतलब जो ज़मीन वाले जो प्लांट्स होते हैं ज़मीन पे जो उगते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सॉइल. जो ज़मीन पे उगते हैं तो नॉर्मली हम ग्राउंड पे जो प्लांट्स उगते हैं उसमें जो रूट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या रोल होता है इनका कि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह होता है वो उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाती है. ये हमने
पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा था. हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस. बट जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं वो कम होती हैं, कम साइज में, मतलब छोटी छोटी होती हैं. और जो उनका मेन काम होता है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, उनका ये होता है कि वो प्लांट्स को सही जगह पे होल्ड करे रखें, सही जगह पे पकड़े रखें. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग. और जो उनकी स्टेम्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, हॉलो एंड लाइट, और बहुत हल्की फुल्की होती हैं. जैसे नॉर्मली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, बट एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो बहुत लाइट होती है. द स्टेम ग्रोज अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. जो स्टेम्स होती हैं वो पूरा पानी की सतह तक, मतलब जो सर्फेस होता है वहाँ तक होती हैं, और सर्फेस पर ही जो फ्लावर्स और लीव्स वगैरह होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, इनसे अटैच्ड हुए. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर. और जो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो तो टोटली अंदर पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर. और सबमर्ज्ड मतलब पूरे अंदर, बिल्कुल नीचे जो सी बेड पे जो प्लांट्स होते हैं, जो डूबे हुए जो प्लांट्स होते हैं वो, इसमें जो पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो पानी में ही ग्रो करते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. कुछ इनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पतली पतली बहुत रिबन जैसी लीव्स होती हैं. दीज कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर. और ये मुड़ भी सकती हैं जब पानी का फ्लो जब ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग वाटर. इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम. कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स में जो सी बेड, जो बिल्कुल अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, कुछ उन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, सो दैट जो पानी वो ईजीली फ्लो कर पाए बिना उन्हें डैमेज किए हुए. फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट. जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, फ्रॉग्स यूजुअली पॉन्ड्स, छोटे छोटे तालाबों में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है. फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड. वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लैंड पे भी रह सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. उनके जो पीछे वाले जो पैर होते हैं फ्रॉग्स के, उन जो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दैट वो ईजीली अपने प्रे को, एनिमल जिसको वो पकड़ना चाहते हैं उसको कैच करने में हेल्प करते हैं. दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर. उनके जो फीट होते हैं वो फैले हुए, जो डक के तरह, डक के जैसे फीट होते हैं ना, वेब्ड जैसे, मतलब जैसे खुले खुले से वैसे होते हैं, सो दैट वो उसको पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स. हमने कुछ थोड़ा, हमने अभी जितना भी डिस्कस किया वो कुछ थोड़ा कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस किया, बट बहुत वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वाइड, वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज इन चैप्टर 7. चैप्टर 7 में भी आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा. इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ. अब इनके अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, इनके अलग अलग लीव्स होती हैं, वैरायटी ऑफ लीव्स होती हैं, तो कितना वैरायटी होता है इसमें. सो ये था, हम ये सब बता रहे थे कि हमने अभी कुछ थोड़ा सा ही कुछ कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, बट देयर इज़ अ एन नंबर ऑफ वैरायटी इन क्रिएचर्स, इन लिविंग क्रिएचर्स एंड इन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स. सो इसकी तो लिस्ट चलती रहेगी, बट हमने कॉमनली जो कॉमन थे वो हमने डिस्कस कर लिए. नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 9.4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. लिविंग बींग मतलब जिंदा, मतलब हम इंसान, एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं, इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एनिमल्स. वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे हैबिटेट्स के बारे में समझा और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा. एंड एक्टिविटी वन में हमने क्या किया था कि फॉरेस्ट में क्या प्लांट्स, एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, या जंगल में, या सी में,
क्या क्या मिलता है ये सब हमने लिस्ट किया था. वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन अवर लिस्ट आर लिविंग. अब हम सोचें कि कौन से एग्जाम्पल्स लिविंग हैं. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. जैसे कि फॉरेस्ट में जो पाया जाता है वो क्या क्या होता है. ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. नाउ विच ऑफ दीज आर लिविंग. अब इसमें से लिविंग, इसमें से जिंदा क्रिएचर्स, जिंदा लिविंग बींग्स कौन है. Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. अपने आजू बाजू देखो कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उनको डिस्क्राइब करो कि वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है. इन सम केसेज इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. कुछ में तो ईजी होता है कि हाँ ये लिविंग है और नॉन लिविंग है. ऑफकोर्स चेयर और टेबल को हम बोलेंगे नॉन लिविंग और जो ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स होंगे उसको बोलेंगे लिविंग. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और अ टेबल इन अवर होम्स वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कम्प्लीट नॉन सेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर. पहेली जो थी, पहेली एक पोएम पढ़ रही है, राइम पढ़ रही है एक्चुअली. पोएम नहीं, राइम पढ़ रही है एक्चुअली. दैट इज़ फ्रॉम कम्प्लीट नॉन सेंस जो कि लिखी हुई है एडवर्ड लियर. क्या कहती है पहेली. सेट द टेबल टू द चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिल ब्लेन्स ऑन माई फीट. इफ यू टुक अ लिटिल वॉक यू माइट हैव अ लिटिल टॉक. प्रे लेट अस टेक द एयर सेट द टेबल टू द चेयर. Set the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk when you know we cannot walk. Set the table with a sigh. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? ये राइम पहेली ने पढ़ी कि टेबल चेयर आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास भी तो पैर हैं, हम क्यों नहीं चल सकते या फिर हम क्यों नहीं है ना और बात कर सकते. ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं. दिस इज़ अ फन बेस्ड राइम. पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वे इस पोएम सो वेरी फनी. ऑफकोर्स इट वॉज फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक, वॉक और सफ़र फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम्स दैट ऑल ऑफ अस फेस. क्योंकि बात पता है कि चेयर और टेबल हमारे जैसे बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, और जो हमारी जो सिचुएशन होती है वो चेयर और टेबल नहीं फेस कर सकते. अ चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. हमें पता है ये अलाइव नहीं है. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और हमें पता है कि हम जो हैं इंसान, हम लिविंग बींग्स हैं और जो बाकी के लोग हैं इस वर्ल्ड में वो भी लिविंग बींग्स हैं. वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ. हम अपने आजू बाजू एनिमल्स भी देखते हैं जिनके अंदर जिंदगी है, जिनके अंदर लाइफ है. दैट आर डॉग्स, कैट, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स. और बहुत सारे एनिमल्स जिनके पास लाइफ है. अब इसके बारे में ही, लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही रीड करते हुए हम कल स्टार्ट करेंगे आगे का जो पैराग्राफ है. आज के लिए इतना ही. आज अपन ने ग्रासलैंड्स पढ़ा था और फिर एक्वेटिक हैबिटेट पूरा कंप्लीट किया और हमने 9.4 का भी दो तीन पैराग्राफ पढ़ लिए. प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. वॉच योर, लिसन योर वीडियोज़ वेरी प्रॉपरली ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स और फोर टाइम्स इन द डे इफ यू फील सो. अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए एंड आई होप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग ऑल योर चैप्टर्स, ऑल योर अर्लियर चैप्टर्स. ऑन दैट नोट, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू.